वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं स्पेशिएशन के बारे में। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि स्पेशिएशन का मतलब क्या होता है। स्पेशिएशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीसीज, यानी कि एक नए जाति का निर्माण होना, एक नए जाति के ऑर्गेनिज्म का बनना क्या कहलाता है, स्पेशिएशन। अब देखिए स्पेशिएशन दो तरह से बनता है, क्लियर। आपने जैसे म्यूटेशन थ्योरी का एग्जांपल देखा था, तो वहां पे सडन चेंज होने से ही नए स्पीसीज बन जा रहे थे, इवनिंग प्राइमरोज के केसेस में आपने देखा था, है ना। तो इसके दो तरीके हैं, पहला ग्रेजुअल प्रोसेस जो कि स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे होगा, और दूसरा है सडन चेंज, अचानक से म्यूटेशन हुआ और स्पीसीज का निर्माण हो गया, नए स्पीसीज का, ठीक है। तो हम ये दोनों प्रोसेसेस को देखते हैं कि दोनों प्रोसेसेस में नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण कैसे होता है। सबसे पहले हम ग्रेजुअल प्रोसेस को लेते हैं जो कि स्लो प्रोसेस है। इसमें हम लेते हैं दो कंडीशन, दो तरह के स्पेशिएशन होता है, एक एलोपैट्रिक स्पेशिएशन और दूसरा सिम्पैट्रिक स्पेशिएशन। तो एलोपैट्रिक स्पेशिएशन क्या है और सिम्पैट्रिक स्पेशिएशन क्या है, पहले ये दोनों को क्लियर कीजिए, ठीक है। एलोपैट्रिक स्पेशिएशन में क्या होगा, जियोग्राफिकल बैरियर होगा। जैसे मान लीजिए कि दो ऑर्गेनिज्म बिल्कुल अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पे, ठीक है, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स पे दोनों ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं और बीच में समुद्र है या कुछ भी वाटर बॉडीज है, यानी कि जियोग्राफिकल बैरियर है जहां से वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे। तो ऐसा आने से क्या होगा, जो एक जगह पर होगा उसमें उसी अनुसार, उसी एनवायरमेंटल कंडीशंस के अनुसार उसमें कैरेक्टर डेवलप हो जाएंगे। तो इस तरीके से इवोल्यूशन आएगा, चेंजिंग आएगा। और दूसरा, अगर मिलते जुलते हैं एक ही जगह पर है फिर भी हाइब्रिडाइजेशन से या फिर जेनेटिक ट्रिप दूसरी वजह से चेंजिंग आता है। तो एलोपैट्रिक स्पेशिएशन का मतलब है ड्यू टू डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया, अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया की वजह से अगर चेंजिंग आता है, जैसे आपने देखा था डार्विन्स फिंचेस के केसेस में, ठीक है। डार्विन्स फिंचेस यानी कि इतने टाइप्स के जो बर्ड्स बने थे, उसका जो ओल्ड जनरेशन था, ओरिजिनल जनरेशन था, वो एक था, ग्रेन ईटिंग बर्ड से इतने टाइप्स के ऑर्गेनिज्म बन गए थे, बात समझ में आ रही है। तो जब ये छोटे छोटे आइलैंड पे चले गए, गैलापागोस आइलैंड पे जहां पे आइलैंड का ग्रुप था, तो वहां पे हर एक जगह के एनवायरमेंटल कंडीशन या फूड जो वहां पे अवेलेबल था, फूड मटेरियल, उसके अनुसार उसमें चेंजिंग आ गया। हालांकि उसका निर्माण सबसे पहले जब वो आइलैंड पे सब बर्ड्स पहुंचे थे तो सब एक ही तरह के थे, ग्रेन ईटिंग थे, लेकिन उसके बाद डिफरेंट टाइप्स के हो गए। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए कि एक आइलैंड था या दूसरा था, बीच में जियोग्राफिकल बैरियर था, तो दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं है, जो फूड यहाँ पे था उसी अनुसार से अपना हैबिट चेंज कर लिया और उसी अनुसार से उसका निर्माण हो गया। तो इस तरीके से जो एलोपैट्रिक स्पेशिएशन होता है वो डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया में होता है। इसके एग्जाम्पल में डार्विन्स फिंचेस को ले सकते हैं। सिम्पैट्रिक स्पेशिएशन जो होता है वो सेम जियोग्राफिकल एरिया में होता है। तो सेम जियोग्राफिकल एरिया में स्पीसीज कैसे बनते हैं, चेंजिंग कैसे आता है, आप बहुत सारे पढ़ चुके हो, है ना। तो इसके एग्जाम्पल में हम देखते हैं जैसे पिग फ्रॉग और गोफर फ्रॉग, ये दोनों का निर्माण जो हुआ है, ये दो डिफरेंट टाइप्स के फ्रॉग के वैरायटीज हैं या स्पीसीज आप कह सकते हो, ये दोनों का निर्माण सेम जियोग्राफिकल एरिया में। तो अगर स्पेशिएशन, नए स्पीसीज का निर्माण सेम जियोग्राफिकल एरिया में हो, तब हम इसे क्या कहते हैं, सिम्पैट्रिक स्पेशिएशन, और अगर डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया में हो तब इसे क्या कहते हैं, एलोपैट्रिक स्पेशिएशन। ये तो देख लिया जो ग्रेजुअल प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है। इसके बाद ड्यू टू सडन चेंज, अचानक चेंज आने की वजह से, ठीक है, ये म्यूटेशन की वजह से हो सकता है या हाइब्रिडाइजेशन की वजह से। म्यूटेशन का मतलब तो आपको बहुत अच्छे से पता है और हाइब्रिडाइजेशन का मतलब भी बताए गए, दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच भी रिप्रोडक्शन हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। जैसे यहां पर एक प्लांट बन के तैयार हुआ है, रेफिनोब्रैसिका, ठीक है। रेफिनोब्रैसिका में क्या है, इसका निर्माण दो डिफरेंट टाइप्स के प्लांट स्पीसीज के बीच क्रॉस होने से बना है। जैसे एक प्लांट है रेफिनस सटिवस और दूसरा है ब्रैसिका ओलेनेसिया, है ना। ये दोनों में इंडिविजुअली अगर हम देखें तो इसमें क्रोमोजोम 9 पेयर होते हैं, इसमें भी 9 पेयर होते हैं। तब दोनों गैमेट बनाते हैं तो यहां पर भी हैप्लॉइड हो जाता है, यहां भी हैप्लॉइड। जब जायगोट बनते हैं तो यहां पे डिप्लॉइड हो जाता है, यानी कि 2n = 18 आ गया, ठीक है। तो डिफरेंट स्पीसीज के प्लांट में जी, जब जायगोट बनता है ना, तो ये जायगोट में क्रोमोजोम डबलिंग हो जाता है, यानी कि 18 से क्या हो जाता है, 36, यानी कि इसमें 18 हो जाते हैं इसके जैसे और 18 हो जाते हैं इसके जैसे। अब देखिए यहाँ पे, जब ये 36 हो गया, 36 हो गया, यानी कि 18 पेयर हो गया, कितना हो गया, 18 पेयर। अब देखिए, इस पैरेंट में 9 पेयर था,
इसमें भी 9 पेयर था, अब ऑफ स्प्रिंग में क्या हो गया 18 पेयर। तो यहाँ पर स्पीसीज ही चेंज हो गया, जाति ही चेंज हो गया, एक ही जनरेशन में जाति चेंज हो गया, बात समझ में आ रही। तो ये सडन चेंज हुआ, अचानक से बदलाव हुआ हाइब्रिडाइजेशन की वजह से, और ये बन गया रैपेनोप्रेसिका, बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से आपने देखा कि स्पेसिएशन यानी कि नए स्पीसीज के बनने का प्रोसेस क्या है।